तो कहानी शुरू होती है जब मैं संडे को अब मंडे को जब वीडियो अपलोडिंग पे लगाता हूँ, तुम इसे देखते हो और फिर कहते हो मुझे भी सिखाओ ना। देखा जाए तो इन वीडियोस में ऐसा कुछ खास नहीं है, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ही नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और एआई टूल्स का जादू है। आज तुम्हें पता चलेगा कि एडिट करना मुश्किल नहीं होता अगर तुम्हें एडिटिंग की साइंस पता हो तो। सबसे पहले तो ये वहम हटा दो कि एडिटिंग से वीडियो अच्छी बनती है। एडिटिंग से कुछ नहीं होता, आपकी स्क्रिप्टिंग, आपकी स्टोरी, आपके डायलॉग्स, आपके बताने का अंदाज, ये सब चीजें जुड़ी रहती हैं एक अच्छी एडिटिंग के लिए। इसीलिए हमने ये वीडियो चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहला पार्ट हमने ऑलरेडी तुम्हारे सजेस्टेड वीडियोस में डाल दिया है। अगर नहीं मिलेगी तो कमेंट बॉक्स चेक कर लेते इतनी देर में। खैर, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हम किस साइकोलॉजी का यूज करते हैं अपनी वीडियोस को बनाते समय। तीसरे पार्ट में अपने कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कैसे किया जाए और हम कैसे करते हैं। और आखिरी पार्ट में हम उस एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे जो हमें मदद करता है, उसका पूरा वॉक थ्रू देंगे जो हमने पिछली वीडियोस में उसका ज्यादातर इस्तेमाल किया है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है तुमसे, तुम्हें वीडियोस में क्या देखना पसंद है? बोलो। एडिटिंग के लिए वीपीएन नहीं लगता, बस तुम्हारे दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर लगता है, जिसे हम लॉजिकल साइड ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। और अगर तुम्हारे पास लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जो कि जाहिर सी बात है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पास भी काबिलियत है लोगों को यकीन करवाने की। अब हम दो साइकोलॉजीज पे फोकस करते हैं, पहला सिमेट्री और दूसरा सीक्वेंस कटिंग। और सिमेट्री का यहाँ मतलब ये भी है कि रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल आप करें, उससे आपकी वीडियो बैलेंस में रहती है और जिस चीज पे आप फोकस करवाना चाहते हैं व्यूअर को उस पे करवा पाते हैं, जिससे आपकी आंखों को सब सिमेट्रिकल लगे, वो देखने में अच्छा लगता है और विजुअली वो वीडियो बहुत ज्यादा कंपेलिंग बन जाती है और एक सिस्टम से बनता है जहां पर आपकी नजर इधर उधर नहीं भागती। अब ये चीज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको समझाया नहीं जा सकता, ये धीरे धीरे अपने आप ही एक्सपीरियंस बिल्ड होता है आपका। लेकिन सीक्वेंस कटिंग आपके हाथ में, अभी अभी जो तुमने महसूस किया वो एक सीक्वेंस कट था, यानी वीडियो के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करना। अब इससे बहुत छोटी सी चीज हुई, आपके दिमाग को जो मैंने इन्फो दिया उसे ग्रैब करने का वो टाइम मिला, आपने सांस भी ले ली। और अब एक प्रोफेशनल एडिटर इसको कैसे यूज करता है? एडिटिंग का अगर हम बेसिक रूल देखें तो वो ये कहता है कि व्यूअर ने जहां से वीडियो शुरू किया है वो बीच में पहुंचेगा क्योंकि उसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसी बीच अगर ये कट आ जाए ये एक नई शुरुआत बना देता है उस व्यूअर के लिए, जो कि अब लूप में चालू हो जाती है। आपको लगता है कि ये वुश के बाद एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। अब इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा वॉच टाइम बढ़ जाता है और दूसरा तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और क्या, एक ही फायदा है। वैसे क्या से याद आया, तुमने ब्रांड ब्रीफ बनाया अपना? एक और सीक्वेंस कट आएगा, अब नहीं आएगा, ठीक है। ब्रांड ब्रीफ यानी एडिटिंग का आप स्टाइल कह सकते हो, जिससे सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये वीडियो तो इसकी है भाई। अब एडिटिंग स्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप कैसे एडिट कर रहे हो वो पूरा स्टाइल, आप कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हो, आपकी टोन क्या है, आप किस वाइब से वीडियोस बना रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है, वो एक ब्रांड ब्रीफ बनाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने नियॉन मैन की वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट वीडियोस, वो एक ही फॉर्मेट एक ही टेम्पलेट पे होते हैं, तो आप रेड कलर देख के समझ जाते हो कि हाँ अब मुझे कोई न्यूज मिलने वाली है यूट्यूब के रिलेटेड। लेकिन ब्रांड ब्रीफ को लोग स्टाइल से भी डिनोट करते हैं। अब एडिटिंग के कुछ स्टाइल्स भी होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, कॉमिक स्टाइल, व्लॉगिंग स्टाइल, मोशन एलिमेंट स्टाइल, स्टॉप मोशन स्टाइल। अब या तो आप इन्हें वीडियो के हिसाब से चुन सकते हो या तो आप अपने चैनल के हिसाब से इसे चुन सकते हो। तो स्प्राइट क्लियर है, ये एक कॉमिक स्टाइल एडिट का एग्जांपल था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टाइल सिर्फ ऊपर ऊपर से है, लेकिन अगर आपको इसमें और डीप जाना हो तो आपको अपना पूरा एक ब्रांड ब्रीफ बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रील देखो। इफ यू डोंट नो हाउ टू कीप योर ऑडियंस हुक्ड टिल द एंड, हियर आर थ्री वीडियोस दैट विल 10x योर ऑडियंस रिटेंशन। दिस इज एपिसोड 4 ऑफ अ सीरीज वेयर आई हेल्प यू टेक योर व्यूज फ्रॉम जस्ट 2000 टू ओवर 1 लाख। नंबर 1, ये जो चैनल है वो एक ही टोन पे और एक ही एडिटिंग स्टाइल से अपना पूरा वीडियोस बनाते हैं। इसमें आपकी फिल्म मेकिंग और कलर ग्रेडिंग भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब एक और एग्जांपल देखो, रेडिट जो है अपने वीडियो के स्टाइल्स हर वीडियो के हिसाब से बनाता है। जैसे कभी ये बना दिया, कभी ये स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, तो कभी ये स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। लेकिन वॉक्स हमेशा एक जैसी वीडियोस बनाएगा, और यहाँ तक कि ये जो चैनल है खुर्सकेगत,
इन अ नटशेल जो ये चैनल है वो एक जैसी ही वीडियोस बनाता है, आपको कोई भी डिफरेंट फॉर्मेट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने चैनल के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बनाई है और यहाँ पर इन्होंने वीडियोस के हिसाब से अपना ब्रांड ब्रीफ बनाया है। और अगर मैं हमारी बात करूँ तो ये हमारा ब्रांड ब्रीफ है इन डिटेल। तो बात सिर्फ इतनी सी है, हम वीडियोस के हिसाब से अपना ब्रांड ब्रीफ या थीम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज ही ना कर पाओ। अब ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है, मैंने इस वीडियो में इसी विजुअल को क्यों चुना? आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी एडिटिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप सही विजुअलाइज नहीं करेंगे तो सही ढंग से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अब अपने टॉपिक्स को विजुअलाइज करना एक अलग ही टॉपिक है भाई, उसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो मांगता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिक रूल तो समझाऊंगा ही, लेकिन आगे आपको वीडियो में पता भी चल जाएगा कि विजुअलाइज कैसे किया जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये विजुअल्स का इस्तेमाल किया था, जहाँ पर तीन लोगों की मैंने स्टोरीज बताई थी। अब आपके मन में ये सबसे पहले आता है कि तीन लोगों की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, मतलब तीनों का एक जैसा माइंडसेट होगा कि उन्होंने पैसे कमाए उसके जरिए। तो उन तीनों के माइंडसेट से मैंने ये एक इमेज विजुअलाइज करी, जहाँ पर माइंड एक शब्द कॉमन आ रहा है इनमें, तो वो दिखना चाहिए। तो वो ब्रेन यहाँ पर एक नियॉन फेज में आपको दिखाई देगा। अब इनके जो आइडियाज थे वो उनकी प्रोफेशन के हिसाब से थे, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही तरीका था कि मैं इनकी एज को अल्टर करूं। तो यहाँ पर आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक महिला दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये है तो तीनों अलग पर्सनैलिटीज लेकिन इनका माइंडसेट एक जैसा है। और वहां से लोग हुक हुए और आगे जाके मैंने इनका एक डेडिकेटेड मोशन बनाने की कोशिश करी और आपको समझाया कि इनका माइंडसेट कैसे काम करता है टेक्स्ट एलिमेंट्स को मोशन में लाके। अब यहाँ पर आपका पूरा फोकस उस इंडिविजुअल पर रहेगा जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे है, यानी यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसी इंडिविजुअल के ऊपर कर रहा हूँ, इन तीनों के ऊपर एक साथ नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर मुझे तीनों की जरूरत है यहाँ पर मैं ये विजुअल शो करूंगा। अब इसके बहुत से अलग विजुअल्स भी हो सकते थे, तो अपने कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना, क्योंकि हर दिमाग की चाबी अलग होती है, आपकी सोच अलग होती है, और उसको समझाना एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। उसको हम बचा के रखते हैं अपने अगली वीडियो के लिए, लेकिन हम उस AI टूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम विजुअलाइज भी करते हैं और उसको मोशंस में भी लाते हैं। तो हम यहाँ पर लूमा ड्रीम मशीन का यूज करते हैं भाई, सीधी बात नो बकवास। और आप जैसे ही इसकी साइट या ऐप पे जाओगे ना, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ क्वालिटी प्रोड्यूस करने वाला हूँ इस टूल से। यकीन मानना ये बात, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो लूमा के डैशबोर्ड पे इस समय हम है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन फिलहाल हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। और याद रखिएगा, जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ वो आप ऐप से भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को एक स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर इमेजिनेशन को आपको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मेरी पिछली वीडियो का प्रॉम्प्ट है जिससे मैंने ये इमेज जनरेट करी थी, जो मैंने अभी आपको बताई भी थी। अब आप कहेंगे कि मुझे तो वीडियो बनानी है यार, इमेज थोड़ी ना बनानी है। देखो, वीडियो बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप इमेजेस से बना सकते हैं या डायरेक्टली वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करने का मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमने जैसे ही प्रॉम्प्ट डालते हैं तो ये इमेज जनरेट होती है। अब इस इमेज को जब तक आप चाहो तब तक आप ट्राई अगेन कर सकते हो शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके, जब तक आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। यहाँ पर आपको ब्रेनस्टॉर्म का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको सजेस्टेड आइडियाज देगा कि और क्या हो सकते हैं। आप उनमें से भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जो आप सोच रहे हो पहले इनिशियली उसी पे आगे बढ़ो, और अगर कुछ ना आए तो ब्रेनस्टॉर्म करो। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब नीचे आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, मॉडिफाई वीडियो या ऐसी ही इमेजेस और बना सकते हैं आप। अब एक ऑप्शन वीडियो का आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है और एक ऑप्शन आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के दो तरीके थे। अब आपको यहाँ पर की फ्रेम का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर स्टार्टिंग फ्रेम और एंडिंग फ्रेम ये मांगता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दो इमेजेस हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इमेज का ये है और ये बदल जाएगी इस इमेज में, और क्या आप एक्शंस करवाना चाहते हो उसे टाइप करना है, और फिर ये एक ट्रांजिशन सब बनाएगा और उस स्टार्टिंग पॉइंट के इमेज को दूसरे पॉइंट इमेज पे कन्वर्ट करेगा। ये काम होता है एक की फ्रेमिंग का। इसका इस्तेमाल मैंने ज्यादा नहीं किया है क्योंकि मुझे एक स्टिल इमेज चाहिए थी इन वीडियोस के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, सेम ही इमेज को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे डाल दिया, ताकि ये चेंज ना हो, स्टिल रहे और मैं अपना काम इसमें कर सकूं। अब ये वीडियो जनरेट करके आपको देगा। अभी फिलहाल के लिए अगर मुझे ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, और ये याद रखिएगा ये वीडियो अभी 1080p पे है। आप इसको अपस्केल कर सकते हैं 4K तक,
तो उसको करना ना भूलें। तीसरा टैब में जाएंगे, आपको रेफरेंस टैब देखने को मिलेगा। आप एक तरीके से रेफरेंस दे रहे हो लूमा को कि इस तरीके की इमेज बनाओ या वीडियो बनाओ। आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। और अगला मॉडिफाई टैब में आप कोई इमेज अपलोड करते हो तो उसमें क्या चेंजेस और करने चाहिए वो आप कर सकते हो। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी, जैसे ही आप प्रॉम्प्ट डालोगे आपको प्रॉम्प्ट के अंदर भी सजेशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके सजेशंस भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और एक नया वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इमेज से वीडियो बनाएं। अगर डायरेक्टली वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला वीडियो बनाया था पिछली वीडियो में। लेकिन अगर आपको मोशन इंटेंसिव चाहिए या आपकी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही है और उसको दिखाने में फिर ऐसे वीडियोस बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो जहाँ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वहां पर इमेज टू वीडियो ट्राई कीजिए, और जहाँ पर सीधे साधे कॉन्सेप्ट रहते हैं वहां पर आप डायरेक्टली वीडियो बना सकते हैं। अब आती है प्राइसिंग की बारी। यहाँ पर आप अपने क्रेडिट देख सकते हैं कि यार कितने क्रेडिट्स में मैं कितनी वीडियोस और कितने फोटोग्राफ्स बना सकता हूँ। अब इनका प्लान जो है वो स्टार्ट होता है $9 से मंथली। आप एनुअली भी ले सकते हैं कम प्राइस में, लेकिन मैं मंथली ही लेता हूँ और प्लस वाला प्लान मैंने अभी ले रखा है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि हर AI टूल में आपको देखने को मिलती है कि आप क्रेडिट्स को ऐड भी कर सकते हैं अगर आपके खत्म हो जाए तो। एडिशन करना है तो $4 के 1200 क्रेडिट्स आपको देखने को मिलेंगे, तकरीबन 5 से 6 वीडियोस उसमें बन जाते हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर अपनी वीडियोस को जनरेट करना पड़ता है। अगर आप जल्दबाजी में करते जाएंगे तो यार आपके क्रेडिट्स बहुत जल्दी खत्म होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, लेकिन पीका लैब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी छोटी सी एडिटिंग प्रोसेस थी जिससे हम AI का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, लेकिन अगर फुल एडिटिंग देखनी हो कि कैसे होती है तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।